सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर डेली टेक्नोलॉजी एंड स्मार्टफोन वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है YouTube के एक फ्रेश एपिसोड में। और एक्चुअली काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अभी धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहा है, सब अच्छा हो रहा है। और ये एक्चुअली वीडियो इसलिए है कि काफ़ी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर ईमेल में पूछ रहे थे कि Huawei Mate 20 Pro का परफॉर्मेंस कैसा है, उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हमारा इंडियन माइंडसेट ऐसा होता है कि 70,000 की अगर हम लोग बात करते हैं तो चाइनीज कंपनी को क्यों इतना पैसा दे, हमारे पास सैमसंग का ऑलरेडी एक ऑप्शन अवेलेबल है, आईफोन अवेलेबल है, गूगल पिक्सल अवेलेबल है। तो एक्चुअली मैंने ये फ़ोन करीबन अभी तक 4 दिन ही यूज़ किया है, मेरी टेस्टिंग चालू है और मेरे पास पिक्सल 3 XL भी है। जुगाड़ लगा के मैंने किधर से तो निकाल लिया, मेरे एक दोस्त का था, वो इस फ़ोन को बेचने वाला है, तो मैं सोचा, मैंने उसको बोला कि चलो मैं एक हफ्ता यूज़ करके आपको बता देता हूँ कि कैसा इसका परफॉर्मेंस है, अगर अच्छा लगा तो मैं खुद रख लूँगा, खुद परचेस कर लूँगा पिक्सल 3 XL। तो इन दोनों फ़ोन्स के बीच में मैंने कैमरा कंपैरिजन का वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगा, कुछ डेलाइट शॉट्स मैंने ऑलरेडी कैप्चर कर दिए है। और उस सभी के बेस के ऊपर, मतलब अगर डेलाइट शॉट की अगर हम लोग बात करते हैं और अगर सभी चीज़ों की अगर बात करते हैं, लाइक डिस्प्ले क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, कैमरा परफॉर्मेंस, बैटरी परफॉर्मेंस, प्रोसेसर परफॉर्मेंस, तो ये जो Mate 20 Pro का जो फ़ोन है ना, वो काफ़ी ओवरऑल ऑलराउंडर फ़ोन है, मैं तो मानता हूँ, विथ कंपैरिजन टू पिक्सल 3 XL भी, या फिर आप सैमसंग का, क्या मेरे पास S9 Plus भी है, वो भी मैं यूज़ करता हूँ, पहले यूज़ किया था, अभी मेरा वो प्राइमरी फ़ोन नहीं है, लेकिन S9 Plus के कंपैरिजन में भी मुझे ये ओनर, ये जो Huawei का Mate 20 Pro का जो फ़ोन है, वो काफ़ी बेटर लगा इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले विविडनेस या फिर इन टर्म्स ऑफ इवन फोटो क्वालिटी। फोटो जो बैक कैमरा की फ़ोटो क्वालिटी है वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसमें मुझे एक ही चीज़ जो नहीं पसंद आई अभी तक मेरे यूजेस में, वो है इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा। फ्रंट फेसिंग कैमरा दे दिया है तो 24 मेगापिक्सल का, लेकिन इसकी फ़ोटो इतनी अच्छी नहीं आती है, 24 मेगापिक्सल की फ़ोटो, आई मीन इससे बेटर भी फ़ोटो आपको OnePlus 60 से भी मिलेगी, या फिर इससे बेटर फ़ोटो आपको और किसी मिड रेंज स्मार्टफोन से मिलेगी जिसका कैमरा ऑलरेडी बेटर है, लाइक वीवो का V11 Pro मैंने टेस्ट किया था, उसका फ्रंट फेसिंग कैमरा 25 मेगापिक्सल का था। तो इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा पता नहीं क्यों इतना, मतलब अच्छा नहीं दिया है, काफ़ी वाइट ब्यूटी ऐड कर देता है, मतलब वाइट इफेक्ट ऐड कर देता है फेस के ऊपर, उसके ऊपर उसके अगेंस्ट में अगर पिक्सल 3 XL की बात करते हैं ना, तो पिक्सल 3 XL का कैमरा परफॉर्मेंस टॉप नॉच है, मतलब जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो भी काफ़ी अच्छा है, रियर फेसिंग कैमरा है वो भी काफ़ी अच्छा है, और ट्रू टू क्लोज टू रियलिटी इसके फोटोज आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ ये कैमरा के लिए फ़ोन अच्छा है ऐसा मैं आपको बोल सकता हूँ। बैटरी लाइफ इतनी डिसेंट नहीं है एज कम्पेयर टू ये जो Mate 20 Pro की बात करते हैं, तो क्योंकि ये Mate 20 Pro में तो 4200 mAh की बैटरी है और इसमें तो 3450 है, तो ज़्यादा कुछ चलती नहीं है, एक दिन चलेगी, लेकिन अगर आप हेवी यूज़ करोगे तो भी आपको शाम को इसको रिचार्ज करना पड़ेगा, टॉप अप करना पड़ेगा। और डिस्प्ले क्वालिटी की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो फिर पिक्सल 3 XL का डिस्प्ले आज भी मुझे अच्छा नहीं लगा विद कंपेयर टू सैमसंग और ये Mate 20 Pro, इसका डिस्प्ले कहीं ना कहीं तो अभी भी मार खा रहा है। मतलब अगर आपको इसमें अच्छा मिलता है, OLED डिस्प्ले मिलता है, 2K डिस्प्ले मिलता है, वो तो बात सब ठीक है, इवन पिक्सल 2 XL से भी इसका डिस्प्ले अभी काफ़ी बेटर है, लेकिन जो एक क्लियरिटी रहती है, शार्पनेस रहता है, वो अभी भी मुझे सैमसंग के फ़ोन्स में, सैमसंग S9 Plus में या फिर इसमें ज़्यादा लगता है। तो अगर आपकी प्रायोरिटी सिर्फ फ़ोटो ही रहेगी तो आप पिक्सल 3 ले लेना, आपका डेफिनेटली काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, क्लोज टू नेचुरल कलर आपको इसमें मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा से इतनी शिकायत नहीं है, मतलब इसका इतना भी इतना बुरा नहीं है फ्रंट फेसिंग कैमरा, आप कह सकते हो कि इसका OnePlus 6 जैसा फ्रंट फेसिंग कैमरा है, और कंपेयर में किया नहीं है अभी तक, लेकिन ऑलमोस्ट उतना ही है OnePlus 6 जैसा फ्रंट फेसिंग कैमरा, लेकिन जो बाकी फीचर्स मिलते हैं लाइक 3D फेस अनलॉक, इसके बाद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये काफ़ी अच्छा चमचमाता हुआ बॉडी, और इवन बैटरी कैपेसिटी, जो एक्सपीरियंस है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, वो इन सभी चीज़ों में मुझे ये डेफिनेटली बेटर लगा पिक्सल 3 XL के कंपैरिजन में। तो इन दोनों फ़ोन्स का मैं जल्दी से ही कैमरा कंपैरिजन करके आपको दिखा दूंगा कि कैसे कैमरा कंपैरिजन में परफॉर्मेंस होता है, और Mate 20 Pro का रिव्यू भी मैं जल्दी ही कर दूंगा कि ये कैसा फ़ोन है इस डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करने के लिए, इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, मुझे पर्सनली क्या लगा इसमें इशू। क्योंकि ये वीडियो शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि अभी Amazon पे आउट ऑफ स्टॉक था ये फ़ोन, लेकिन अभी वापस से स्टॉक में आ गया है, तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए, इसके लिए डेफिनेटली वीडियो बनाया है कि अगर आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा ज़्यादा यूज़ करते हो और उस फ्रंट फेसिंग कैमरा की क्लैरिटी आपको ज़्यादा बेहतरीन पसंद है, तो फिर इस फ़ोन को आप मत परचेज करो। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।